देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एक नेताजी महान चुनावी जनसभा में बोले, भूख से मर रहा है हमारा किसान, उसकी फसल खुले में हो गई है नष्ट, इस बात का हमें बहुत है कष्ट। इस बार यदि आपने हमें जिताया तो अपना वादा जरूर निभाएंगे, खुले खलियानों पर सीमेंट की छत बनवाएंगे। खुले खलियानों पर सीमेंट की छत बनवाएंगे, फिर न धूप न बरसात का डर। चमचे चिल्लाए, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। जनसभा के बाद अजीब सीन आया जब चमचों ने नेताजी को गन्ने का खेत दिखाया। ईख की फसल देख नेताजी मुस्कुराए, ओ इतनी लंबी घास कहाँ से लाए, इतनी लंबी घास कहाँ से लाए, इसका बीज क्या बाहर से मंगवाया। तो मायूस होकर एक किसान झल्लाया, बोला माई बाप ये तो उगाया अपने आप, माई बाप ये तो उगाया अपने आप। सात गड़े छोट भैये नेता ने मुंह खोला, नेताजी के कान में धीरे से बोला, सर ये घास नहीं गन्ना है, सर ये घास नहीं गन्ना है। नेताजी मुस्कुराए, ओ गुड़ वाला गन्ना। ये कहते हुए नेताजी किसान से लिपट गया, मानो चीटा गुड़ से चिपट गया। बड़ी मुश्किल से छुटभैयों ने दोनों को अलग कराया, तो नेताजी ने फिर फरमाया, गन्ने पर गुड़ कब लगेगा। क्या बात। झल्ला कर एक पढ़ा लिखा किसान बोला, श्रीमान जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात है। जब आप प्रधानमंत्री बनेगा, धन्य है आपका सामान्य ज्ञान, इसीलिए तो कहता है, कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। दोस्तों दो तीन छंद आपके सामने रखना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा। स्वागत है जी। देखिए देश में क्या स्थिति है, कवि का धर्म बनता है कि वो अपनी बात सलीके से कह जाए। एक छंद पहले निवेदित करना चाहता हूँ कि रोजगारहीन है असंख्य युवा भारत में, रोजगारहीन है असंख्य युवा भारत में, मिलता नहीं है कोई काम लोकतंत्र में, बिना काम किए लोग भरते तिजोरी, किंतु श्रम का पुजारी है गुलाम लोकतंत्र में। क्या बात है, क्या बात है। कब तक भूखे पेट आदमी जिएगा भला, लेके तेरा नाम मेरे राम लोकतंत्र में, और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे, कोई नहीं होगा अच्छा काम लोकतंत्र में। कोई नहीं होगा। संकेत में कविता बोलती है तब कहना चाहता हूँ, और ये देश की जनता ऐसा नहीं है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में बिहार का चुनाव हो, या कोई चुनाव हो, ये जनता ना अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। इस बात को मैं एक छंद के माध्यम से निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है महेंद्र भाई, स्वागत कि जनता ये भारत की अंधी नहीं, गूंगी नहीं, सोचो ना कुनीतियों को माफ कर देती है। जनता ये भारत की अंधी नहीं, गूंगी नहीं, सोचो ना कुनीतियों को माफ कर देती है, इसकी अदालत में देर है अंधेर नहीं, वक्त जब आता इंसाफ कर देती है। अच्छा काम करते जो उनका बढ़ाती कद, अच्छा काम करते जो उनका बढ़ाती कद, और बुरा करने पे हाफ कर देती है, फिर भी जो इसकी भलाई भूल जाते हैं तो एक झटके में उन्हें माफ कर देती है। ये जनता ऐसी नहीं है, वो देखती है 5 साल और 5 साल के बाद पूरा हिसाब कर देती है।